Hey, what's up guys, this is Dipesh and आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप OnePlus 7 F OnePlus 7 Pro में 960fps को कैसे इनेबल कर सकते हैं। बाय द वे ये मेथड या फिर ये कैमरा एप्लीकेशन का जो अपडेट आया है ये ऑलरेडी आ चुका है OnePlus 7T में, तो इस वीडियो की हेल्प से आप OnePlus 7 या फिर 7 Pro में भी वो 960fps को इनेबल कर सकते हैं। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं जो डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ वो है OnePlus 7 जो कि चल रहा है ऑक्सीजन OS ओपन बीटा 14 पे, एंड आप चाहो तो इस सेम मेथड को OnePlus 7 Pro में भी ट्राई कर सकते हो एंड ये दोनों ही डिवाइस में टेस्टेड है एंड वर्किंग मेथड है। एंड आप चाहो तो आप किसी अदर OnePlus डिवाइस पे भी इस मेथड को ट्राई कर सकते हो, बट आपकी खुद की रिस्क पे, सबके हार्डवेयर डिफरेंट होते हैं, तो मेक श्योर कि आप अपने ही रिस्क पे इस मेथड को ट्राई करो अगर आप किसी दूसरे डिवाइस पे ट्राई कर रहे हो तो। एंड थैंक्स टू XD डेवलपर जिसने इस ट्रिक को खोजा है एंड उसकी सारी डिटेल्स वगैरह मैंने मेंशन कर दी, इस वेबसाइट पर आप जाकर देख सकते हो। अब हम बात करते हैं इस आर्टिकल में मैं दो मेथड में बता चुका हूँ, मेथड वन और मेथड टू। मेथड वन दोनों OnePlus 7 और 7 Pro के लिए है जिसमें हमें कुछ XML फाइल को रिप्लेस करना होता है अपने मोबाइल की डायरेक्टरी में। अब इन दोनों XML फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हो मेरी वेबसाइट पे जाके, बट OnePlus 7 Pro के केस में ये दो XML फाइल मेरे पास फिलहाल नहीं है। अगर आप में से किसी के पास ये दो कैमरा 0XML और कैमरा 5XML जो दो फाइल है अगर आप में से किसी के पास हो तो मुझे बता देना, मैं इस आर्टिकल को जाके अपडेट कर दूंगा तो आपके पास भी आप बाकी के यूजर्स इस XML फाइल को डाउनलोड करके मेथड वन को फॉलो कर सकते हो। बट डोंट वरी फॉर नाउ, हमारे पास मेथड टू भी है एंड मेथड टू सभी डिवाइस के लिए वर्किंग है, आई मीन OnePlus 7 एंड 7 Pro के लिए। इसके लिए आपको कोई XML फाइल डाउनलोड नहीं करना होगा, इसमें आपको XML फाइल को एडिट करना होगा जो कि ऑलरेडी आपके मोबाइल में प्रेजेंट होती है। तो मेथड टू को भी आप फॉलो कर सकते हो अगर मेथड वन काम नहीं कर रही है तो। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ये वीडियो जो होगा वो डेडिकेटेड होगा OnePlus 7 पे एंड मेथड वन के ऊपर। एंड डोंट वरी, अगर आप OnePlus 7 Pro यूजर हो तो आप मेथड टू को फॉलो कर सकते हो मेरी वेबसाइट पे जाके। तो अब हम बात करते हैं आपको वाकई में करना क्या है मेथड वन के केस में। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको सबसे लेटेस्ट कैमरा एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा जिसे आप डाउनलोड कर सकते हो मेरी वेबसाइट पे जाके, जहाँ पे सारी लिंक्स मैंने मेंशन कर दी है जितनी भी लिंक्स वगैरह मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप अपडेटेड कैमरा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी भी अपडेटेड कैमरा एप्लीकेशन में आपको 960fps देखने को नहीं मिलेगा। आप स्लो मोशन के अंदर जाके यहाँ पे देख सकते हो कोई ऑप्शन यहाँ पे फिलहाल नहीं है 960fps का, तो उसे हम कुछ देर में इनेबल करने वाले हैं वीडियो में आगे में, तो वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहो। तो अब आपको चाहिए रहेगा आपके मोबाइल में रूट। अगर आपको नहीं पता आपका मोबाइल रूट कैसे करे तो आप जाके मेरी डेडिकेटेड वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने बताया आप OnePlus 7 के किसी भी सीरीज के मोबाइल को आप कैसे रूट कर सकते हो, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके देख सकते हो। तो रूट हो जाने के बाद आपको एक ब्राउजर डाउनलोड करना होगा, रूट ब्राउजर या फिर रूट फाइल एक्सप्लोरर, इसको डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से जाके, इसकी लिंक में मेंशन कर दूंगा मैं वैसे, तो आप इसको डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो मोबाइल में। तो इस एप्लीकेशन की हेल्प से आप अपनी रूट डायरेक्टरी में ब्राउज कर सकते हो और साथ ही साथ इंटरनल स्टोरेज जो मोबाइल का है उसमें भी आप ब्राउज कर सकते हो। तो ये जो रूट ब्राउजर है मेक श्योर आपने इसको रूट परमिशन देके रखी है, अगर आपने नहीं देके रखी तो आप जाके मैजिस्क में जाके सुपर यूजर के अंदर जाके आप इस रूट ब्राउजर को रूट की परमिशन दे दो, तो रूट परमिशन के बाद ही ये आपकी रूट डायरेक्टरी को एक्सेस कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। तो मेक श्योर रूट की परमिशन आपने देके रखी हो। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको दो कैमरा की दो XML फाइल डाउनलोड करनी होगी, कैमरा 0XML और कैमरा 3XML OnePlus 7 के केस में। और अगर आप OnePlus 7 Pro यूजर हो तो आपको डाउनलोड करना होगा कैमरा इन्फो अंडरस्कोर 0XML और कैमरा इन्फो अंडरस्कोर 5XML। कैमरा इन्फो अंडरस्कोर 5XML जो फाइल होगी वो OnePlus 7 के केस में नहीं है, वो दूसरी फाइल है जो आपको OnePlus 7 Pro के केस में डाउनलोड करनी होगी। तो दोनों की फाइल्स अलग है तो उसे आप चेक कर लेना। तो ये फाइल्स को डाउनलोड कर लो, आप पहले इंटरनेट स्टोरेज पर कहीं भी रख दो, उसके बाद आपको इस डायरेक्टरी में ब्राउज करना होगा। आपको रूट के अंदर जाना होगा डेटा में, फिर डेटा में, फिर com.oneplus.com नाम के एक फोल्डर को आपको ढूंढना होगा एंड इस फोल्डर में आपको जाना होगा एंड इस फोल्डर के अंदर आपको एक और फोल्डर देखने को मिलेगा जिसका नाम होगा शेयर्ड प्रिप्स। तो इस फोल्डर के अंदर आपको जाना होगा एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी ये सारी XML फाइल्स। तो यहाँ पे मैं क्या रिकमेंड करता हूँ, आपको सबसे पहले कैमरा 0XML और कैमरा 3XML को डिलीट कर देना होगा अगर आप OnePlus 7 यूजर हो तो, और अगर आप OnePlus 7 Pro यूजर हो तो आप कैमरा इन्फो अंडरस्कोर 0 और कैमरा इन्फो अंडरस्कोर 5 को डिलीट कर सकते हो। तो मेक श्योर आप आपके यूजर के हिसाब से आप कौन सा डिवाइस यूज करो उसके हिसाब से फाइल्स को डिलीट करो। डिलीट कर दिया आपने, उसके बाद आपको आपके इंटरनल स्टोरेज में डाउनलोड में जाके इन दोनों फाइल्स को कॉपी करना होगा जो आपने डाउनलोड की होगी, तो उनको आप कॉपी कर लो एंड कॉपी करने के बाद फिर से आपको रूट डायरेक्टरी में उसी डायरेक्टरी में जाना होगा जहाँ पे हम अभी गए थे,
एंड फिर से आप इसी डायरेक्टरी में आ जाओ एंड यहाँ पे उन दोनों फाइल को पेस्ट कर दो। तो एक तरह से हमने जो एग्जिस्टिंग फाइल्स थी उन एग्जिस्टिंग फाइल्स को हमने रिप्लेस किया है इस नई एडिटेड फाइल से, एंड इन नई एडिटेड फाइल में कुछ ऐसी चीज़ें लिखी है जिससे आपके मोबाइल में 960fps इनेबल हो जाएगा। ज़्यादा डिटेल्स में आपको पता करना तो आप जाकर देख सकते हो मेरी वेबसाइट पर, सारी चीज़ें मैंने मैंशन कर दी है। एंड अब आपको क्या करना होगा, अब आपके मोबाइल में जितनी भी एप्लीकेशन चल रही है सब क्लोज कर दो एंड मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट कर लो। एंड मोबाइल रीस्टार्ट होने के बाद आप आपके कैमरा एप्लीकेशन को ओपन करो, वीडियो पे जाओ, देन स्लो मोशन पे जाओ एंड ऊपर आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे 960fps। हालांकि 960fps जो है वो आप 720p ही यूज़ कर सकते हो एंड क्योंकि एक सॉफ्टवेयर की हेल्प से मिल रहा है आपको डिफॉल्ट, आपके कैमरा में कुछ ऐसा सेंसर नहीं लगा, आपको सॉफ्टवेयर की हेल्प से 960fps देखने को मिलेगा एंड आप ओनली 10 सेकेंड का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो इस 720p 960fps पे। सो गाइस, अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये था मेथड वन जिसे आप फॉलो कर सकते हो OnePlus 7 FS7 Pro में। अगर उस मेथड वन काम नहीं कर रही है या फिर आप कॉपी पेस्ट नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप जाकर मेथड टू को फॉलो कर सकते हो। जो फाइल हमने यहाँ पे रिप्लेस की है उस फाइल को आप वहाँ पर जाके एडिट कर सकते हो मेथड टू में। तो बहुत ही सिंपल है मेथड टू, उसको जाके सीधे आप मेरी वेबसाइट पर पढ़ सकते हो एंड बहुत ही सिंपल है, कोई भी डाउट अगर कुछ भी हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। So guys, that's it for this video. I hope you like it. Don't forget to do subscribe and also the bell icon to get notification about all of future videos. This is the best. Sign out. Meet you soon in next video.